चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए तैयार की गई लैब का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल तक मशीनें यहां पहुंच जाएंगी और इन मशीनों के द्वारा अब भरतपुर में ही कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच स्थानीय स्तर पर होने लगेगी। राज्य मंत्री ने बताया कि यह लैब जोधपुर एम्स के मार्गदर्शन में कार्य करेगी, जिसके बाद भरतपुर के संदिग्ध मरीजों की जाँच जल्द हो सकेगी। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरी अभी मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी और ACS जो हमारे मेडिकल हेल्थ के मिस्टर रोहित कुमार सिंह, उनसे बराबर फॉलोअप कर रहा हूं और जो बताया गया है कि शायद 23 या 24 को ये मशीन जो है RT-PCR मशीन आ जाएगी। अभी मैनुअल शुरू कर देंगे और जैसे ही न्यूक्लिक एसिड मिलेगा उसके बाद जो है जो कंप्यूटराइज जो एनालिसिस होता है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 26 के आसपास जो भरतपुर जिले के जितने भी टेस्ट या सैम्पलिंग चल रहा है वो शुरुआत हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी जो इंतजार करना पड़ता था वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही सुबह आप सैंपल देंगे, शाम को उसकी मोस्ट प्रोबेबली हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कम से कम उसका जो फैलने का जो खतरा है उसको रोक पाएंगे, प्रशासन के माध्यम से उस क्षेत्र को हम कंट्रोल।